हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू अवर चैनल मेरी पूरी फैमिली सब लोग कैसे हैं आशा करती हूँ आप सभी एकदम स्वस्थ हो और अपने घरों में सुरक्षित हो आज है सेकेंड फ़रवरी हमारी ट्वेंटी सेकेंड वेडिंग एनिवर्सरी टू 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 थाउजेंड ट्वेंटी टू डेट कुछ इस तरीके की है टू 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 बाईस साल पूरे हो चुके हैं शादी के और शादी जीवन बाईस साल बीत चुका है आज 22वां साल पूरा हुआ तो आज कुछ स्पेशल तो होना ही है और आज के दिन ही गुप्ता जी का होता है बर्थडे उनकी एनिवर्सरी और बर्थडे दे, सेम डेट आप सभी ने गुप्ता जी को विश दिया इतना सारा ब्लेसिंग्स विशे, विशेस बेस्ट विशेष इतना सारा प्यार हमारी फैमिली के लिए थैंक्स टू ऑल ऑफ यू कल जो मैंने व्लॉग डाला था उसमें बताया था ना कि गुप्ता जी का बर्थडे था अब चूंकि बर्थडे था और वो यहाँ पर रेलवे का जो ट्रेनिंग सेंटर है वहां पर इंस्ट्रक्टर हैं तो आज उन्होंने अपनी बर्थडे पार्टी करी है अपने सारे स्टाफ के साथ और जितने भी उनके स्टूडेंट हैं जो वहां ट्रेनिंग हैं तो छोटा सा, सा सेलिब्रेशन उनका था और जो सबने खाया है वो हम लोगों के लिए भी घर आया है तो हम लोग वही शाम के लिए नाश्ते में कर रहे हैं और इसके बाद प्लान है कि कहीं बाहर चलें। क्योंकि रोज मम्मी घर पर बनाती हैं बच्चों का मन है कि बाहर चलें और कहाँ जाएंगे अभी कुछ फाइनल नहीं है पर जा रहे हैं और आपके साथ शेयर करेंगे शुभिया मेरी सेम जैस माँ बेटी हम दोनों का सेम है वो है कि मेरा मोटापा है <laughs> और शुभिया एकदम परफेक्ट तो अभी स्टार्टिंग में जो बर्थडे सेलिब्रेशन था वो था गुप्ता जी का बर्थडे सेलिब्रेशन उनके स्टाफ में जो ट्रेनिंग सेंटर है ना रेलवे का भुसावल में वहाँ पर जितने भी ट्रेनीज आते हैं ट्रेनिंग के लिए वो और जितने भी इंस्ट्रक्टर हैं इनके स्टाफ में तो वही अलग सब एक साथ वहाँ पे सेलिब्रेशन हुआ फिर नाश्ता हुआ और ये वही क्लिप है जो मैंने अटैच करी है इसके बाद रोज की तरह गुप्ता जी घर वापस आ गए आज थोड़ा देर से आए हैं और फिर हम लोगों की है ये फोटो शूटिंग ये हर बार का होता कोई फेस्टिवल हो कोई सेलिब्रेशन और लंबाई के हिसाब से खड़े होते <laughs> हम लोग शुभम सबसे लंबा उसको सबसे लास्ट में खड़ा करते हैं और मेरी और शुभी की तो पोज रहते हैं हम लोग का अपना मेरी तो ये पार्टनर है फोटोग्राफी के लिए शुभी और मैं गुप्ता जी ज्यादा पिक्चर क्लिक कराते नहीं है एक आधी होती है उनकी फिर वो कहते हैं तुम ही लोग अपना खींचते रहो <laughs> बस हो गया दो चार हो गई और शुभम करा लेता है एक आध तो शुभम के साथ भी किया है पिक्चर क्लिक एक तो इतना लंबा हो गया है शुभम उसके साथ खड़े होने में लगता है कि हाँ हमारी हाइट कुछ ज्यादा ही छोटी है और फिर अब हम लोगों को भी नाश्ता है तो ढोकले हैं शाम के नाश्ते में और रसगुल्ला बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट स्पॉन्जी ढोकले हैं मज़ा आया और बता रहे थे गुप्ता जी की स्टाफ में भी सबको बहुत पसंद आए बढ़िया है और शुभम को तो शुभी को दोनों को ही पसंद है ये है कि डिनर के लिए जाना है तो अभी ज़्यादा किसी को नहीं खाना है तो बस थोड़ा थोड़ा ही खा रहे हैं रखा हुए ढोकले और आज मैंने केक नहीं बनाया क्योंकि पहला तो हमारा जो माइक्रोवेव है ना उसका कन्वेक्शन मोड खराब है ठीक करवाना है उसके लिए लेके जाना पड़ेगा माइक्रोवेव को और संडे के सिवाय गुप्ता जी के पास टाइम नहीं रहता और लगातार ऐसा हो रहा है कि कुछ जरूरी काम हो जा रहे हैं तो इसकी वजह से मैं अपने माइक्रोवेव के बारे में बोल नहीं पा रही हूँ ऐसा लगता है ना उससे ज्यादा जरूरी उनका तो ये काम है तो ठीक है अभी तो काम चल रहा है मतलब सारे फंक्शन हो रहे हैं उसमें गर्म हो रहा है लेकिन बस वो जो कन्वेक्शन मोड है वो नहीं यूज़ हो रहा है और उसके बिना बेकिंग नहीं हो सकती कुकर में मैंने सोचा कि मैं बना दूं आज तो दोपहर में मैं कह रही थी केक बनाने के लिए तो बच्चों ने मना किया कि नहीं मम्मी मत बनाइए और अब हम लोग आठ बजे निकले हैं घर से डिनर के लिए शाम में बस वही फ़ोन वोन में बातें होती रहीं और वो कमेंट्स के रिप्लाई कर रही थी मैं बर्थडे वाले ब्लॉग के लिए और यहाँ पर दत्त बेकरी करके एक शॉप है और यहाँ से केक लिया गया तो यही था कि ये तो या तो चॉकलेट केक लो या फिर ये वेनिला जो भी है बच्चों को हमारे चॉकलेट केक ज़्यादा पसंद है वो मुझसे कह रहे थे बच्चे कि आपकी पसंद कर लेंगे और मुझे पता है कि बच्चों को क्या पसंद है इसीलिए मैंने अपनी चॉइस को कुछ सोचा नहीं मैंने कहा नहीं चॉकलेट केक लेंगे तो बार बार शो भी कहती नहीं हमारी बर्थडे में आप हमारी पसंद कर लेती हैं आप आप भी अपनी पसंद कर ले लीजिए हमने कहा नहीं चॉकलेट वाला केक हमें भी पसंद है और तो फिर चॉकलेट लिया गया और हैप्पी एनिवर्सरी का टैग लग गया और बड़ी मजेदार सी इंसिडेंट हुई कि हमारे बगल में जो थी जिन्होंने केक हमारे साथ में लिया था हम जानते नहीं थे एक दूसरे को और जब हम जहाँ गए ना डिनर के लिए वहाँ पर वो फैमिली भी थी हम उनको देख के ही ऐसे लगा ना अभी तो दिखी थी तो ऐसे पहचान लिया था हमने और वही कुछ जगह होती हैं किसी शहर की जो ज़्यादा पॉपुलर होती हैं फेमस होती हैं हर कोई वहीं जाना चाहता है वही वाली बात है और दत्त बेकरी से लिया गया केक यहाँ पे बेकरी के सभी आइटम्स मिलते हैं ऑलमोस्ट और अच्छा है काफी पुराना है मतलब हम अभी भुसावल में है ना इसके पहले हम पाचोरा थे पाचोरा से पहले हम भुसावल में रह के जा चुके हैं यहाँ से करीब दस साल पहले की बात है तब भी वो दत्त बेकरी उतनी फेमस थी और हम लोग आए हैं डिनर के लिए राधा कृष्ण हो। ये होटल है बाहर में ही ये गाय की जो ये है ना बछड़ा ये वाली मूर्ति है यहाँ पर लाइटिंग ऐसे जलती है रेड ग्रीन ब्लू येलो वाइट शुभम को बहुत पसंद है तो यहीं पर उसने अपनी पिक्चर क्लिक कराई बहुत रेयर ही बोलता है वो कि मम्मी मेरी फ़ोटो कीजिए वरना उससे तो कहना पड़ता है कि शुभम के लो फिर देखो तुम्हारी फोटो नहीं रहती हैं लेकिन उसने खुद से ही बोला और अंदर हॉल इनका एक मतलब ओपन एरिया भी है लेकिन हल्की ठंड है ना इस वजह से उन्होंने वो नहीं रखा यही हॉल में ही है उनका हमें एक बार याद है हम शुभम के बर्थडे में शायद आए थे लास्ट ईयर तो हम हॉल वहाँ ओपन एरिया में बैठे थे और ये है केक निकाल के रखा शुभी ने शुभी पिक्चर क्लिक कर रही थी मैं उससे कही थी शुभी तुम भी आ जाओ हम लोग साथ में रहेंगे चारों जन तो उसने कहा नहीं अभी पहले आप दोनों के कटिंग करो फिर हम बाद में आएंगे अब बच्चे बड़े हो रहे हैं तो उनको शौक लगता है अब लोगों को तो शौक जैसी चीज जब शौक की उम्र थी तो शौक करने को मिला नहीं और अब शौक बच्चों के लिए करना है बस ये है चीज़ रहती है उनकी खुशी है बच्चे कह रहे हैं मम्मी ट्वेंटी टू ईयर हो गए हम ट्वेंटी फाइव में हम लोग बड़ा सेलिब्रेशन करेंगे आपका जैसे शादी जैसा करेंगे आजकल तो काफ़ी ट्रेंड है ना दोबारा शादी वाला माहौल हम हंस रहे थे हमने कहा हाँ देखो क्या कह सकते हैं लाइफ का तो अगले दिन का अगले साल का भरोसा नहीं है अभी से कोई कमिटमेंट नहीं जो महाराज की इच्छा होगी जैसी भगवान की मर्जी होती है वही होता है और केक कटिंग हुई बच्चे खुश हम लोग भी खुश गुप्ता जी के चेहरे पे स्माइल ये बड़ी बात है और बस फिर डिनर के लिए बच्चों की पसंद से फिर कुछ ऑर्डर किया गया ये सीख कबाब ये राधा कृष्णा का मेन्यू खाना टेस्टी है यहाँ का जो भी हमने खाया बहुत अच्छा है मतलब इसकी जो चटनी थी ग्रीन वाली मुझे तो वो भी इतनी पसंद आई और पूरा खाना जैसे जो भी हमने ऑर्डर किया जो भी खाया बहुत अच्छा था खाने में कोई कमी नहीं मतलब टेस्ट वाइज कुछ नहीं साफ़ सुथरा है और सर्विस भी अच्छी है ले देखे शहरों में जैसे दो चार जगह एक तनारी का होटल है एक ग्रीन व्यू है यहाँ पर और एक, एक आध और है वेज वाले में ही मतलब मेरा तो यही रहता है ना इसलिए ये भी देखना पड़ता है कहाँ जाएं और हम मतलब रेयरली आते हैं हमें तो गिनती याद है कि हम कब आए गए थे बाहर खाने के लिए वो सावल में रह करके हम शुभम के बर्थडे में मार्च में आए थे और अभी हम आए हैं फेबररी में ग्यारह महीने बाद तो बस ऐसा ही है हमारा बाहर का आज भी मैंने मतलब पूरा मेन्यू सेट कर रखा था मैं <laughs> कह रही थी बच्चों से चाइनीज बनाऊं क्या वो तो जल्दी बन जाएगा चुभी आज तो मना करने लगी नहीं मम्मी फिर हमने कहा ठीक के तुम कहो तो छु चलो पानी पूरी की पार्टी कर लेते हैं चाट पार्टी <laughs> नहीं बाहर ही चलेंगे आपको बाहर आज आपको खाना नहीं बनाना है बच्चों ने एकदम जिद दिर्द पकड़ ली थी केक भी बनाने नहीं दिया और मशरूम बेबी कॉर्न मसाला बेबी कॉर्न मशरूम मसाला सब्जी थी बहुत टेस्टी थी क्योंकि मशरूम मैं बनाती नहीं हूँ पनीर हमेशा बनाती हूँ इसलिए बच्चे अब रेस्टोरेंट में पनीर तो ऑर्डर ही नहीं करना चाहते हैं और जो मैं नहीं बनाती हूँ वही क्योंकि मशरूम और बेबी कॉर्न मिलता नहीं है ये लोग होटल वाले कहीं से भी अरेंज करके रखते होंगे जलगाँव वगैरह से मंगाते होंगे और दाल मखनी बस यही सिंपल सा हमारा डिनर है सिंपल मतलब है तो टेस्टी मतलब बहुत ज्यादा वेरायटी क्योंकि इतना भी नहीं खा पाते हैं एक्चुअली सच्चाई और मजेदार बात बताऊं हम लोग जब बाहर खाने जाते हैं तो चूंकि हमको आदत नहीं होती है तो हमें हैवी लगने लगता है जैसे एक चीज ऑर्डर करी खाया फिर कुछ मंगाया अब वो वो उतना भी खाया नहीं जाता ये जो सामने रखा है ना ये भी फिनिश नहीं कर पाए हम चार लोग वो या तो या यूं कह लो घर से जैसे हमने ढोकले और वो उचका लिए गुलाब रसगुल्ले और अभी ये खा रहे हैं और शाम में भी बच्चों को हमने टाइम से हमारा चाय नाश्ता होता है वो तो हो ही चुका था और हमने अक्सर नोटिस किया हम लोग बाहर जाते हैं हम लोग से नहीं खाया जाता है जैसे होता है ना बाहर का खाना वो हम लोगों को आदत मिली जैसे शादी बरातों में पूरा वैरायटी रखी हो हमसे कह दिया जाए खाने को कुछ भी नहीं खबर हंसोगी मतलब हमें एक पूरी के बाद हमको लगता है हमारा पेट भर गया वो देख के खाना या फिर वो जो बाहर का खाना है। आदत में नहीं है हमारी बच्चों के साथ भी है ये जो भी बल्कि हंस रही थी मुझे आदत डालनी है मम्मी इस चीज़ की <laughs> तो हम लोग को मजाक बना रहे थे इस बात का और खाने के बाद बस ये ये हम लोग को खूब पसंद है सौंफ हम और शुभी तो हमने जो मुखवास बनाया था वो हमारा खत्म हो गया अभी यू भी कह रही मम्मी फिर से बना देना हम लोगों को ये खाना खूब पसंद है मीठी वाली सौंफ और ये महीन वाली सौंफ और खाना हो गया बच्चे खुश हम लोग खुश खाना बहुत टेस्टी था भले हमसे खाया नहीं गया पूरा और लेकिन अच्छे से खाया और आज बनाना नहीं पड़ा अपने परिवार अपने बच्चों के साथ आज का दिन मेरा बहुत ही अच्छा बीता था। थैंक्स फॉर वॉचिंग कल फिर मिलेंगे बाय बाय